प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से है। आपको बता दें कि पंचकुला में आज के दिन निगम के एजीएम की बैठक संपन्न हुई है और हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नयन पाल रावत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं इस बैठक में वार्षिक एजीएम में 2018-19 का लेखा जोखा रखा गया और तकरीबन 50 करोड़ के मुनाफे की बात भी कही गई है। इसके साथ ही नयन पाल रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वर्ष में मुनाफा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और आय बढ़ाने के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही वेयर हाउसिंग के मुनाफे को बढ़ाने के लिए भी तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे, ये कहना है नयन पाल रावत का। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि पंचकुला में आज के दिन निगम की एजीएम की बैठक संपन्न हुई और हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नयन पाल रावत की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक संपन्न हुई है। बता दें कि इस बैठक के दौरान वार्षिक एजीएम में साल 2018-19 का लेखा जोखा रखा गया है और इसके साथ ही तकरीबन 50 करोड़ के मुनाफे की बात भी कही गई है। नयन पाल रावत की माने तो आगामी वर्ष में मुनाफा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और आय बढ़ाने के सभी मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई है और इसके साथ ही वेयर हाउसिंग के मुनाफे को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे, ये कहना है हरियाणा राज्य भंडारण निगम के चेयरमैन नयन पाल रावत का। सर, आज इस तरह से हरियाणा राज्य भंडारण निगम की एजीएम बैठक हुई है, क्या कुछ एजेंडा रहा है? देखिए, एजीएम की बैठक में जो हमारा आय व्यय खर्चा इस चीज का जो ब्यौरा है वो देखा जाता है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हमने इस समय बढ़ाया है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए एक एजीएम की बैठक जो हमारी होती है और एक जनरल मीटिंग होती है। तो आज हमने वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने आय व्यय का ब्यौरा, अपने वेयर हाउस का कि हम कहाँ पर खड़े हैं, पिछले साल की तुलना में कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, कितनी हमने परचेज की है, कहाँ हमारे गोडाउन बने, तो इस सब चीज़ का ब्यौरा आज हमने इस एजीएम की बैठक में लिया। कितना प्रॉफिट सर हुआ है अगर सालाना बात? देखिए, 2017-18 में जो 207 करोड़ रुपया का प्रॉफिट था वो 18-19 में 257 करोड़ रुपया हुआ है और निश्चित तौर पर 50 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो हमने इस वेयर हाउस में बढ़ाया है। जी, कई जगह वेयर हाउस और भी उसको बढ़ाने के एक्सपेंड करने के भी प्रोजेक्ट थे। हाँ, निश्चित तौर पर लगभग 5 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन हम अभी 2021 में तैयार कर देंगे और अभी तक वो हो भी जाने चाहिए थे लेकिन कोरोना की वजह से वो थोड़े से डिले हुए हैं और अभी भी हमने कई जगह पर जैसे नया बांस में है, कालावाली में है, जो प्लंथ बना के माल रखवा दिया है और मैं समझता हूँ कि अभी 6 महीने के अंदर ये सारे गोडाउन लगभग 5 लाख मीट्रिक टन गोडाउन बनकर तैयार हो जाएंगे जिससे हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा।